तो दोस्तों इसके बारे में हमने चार चीज़ें आपको बताई है। पहला है इसका गूगल असिस्टेंट कैसे चलाना है, इसका माइक टेस्ट किया हुआ, इसका साउंड टेस्ट किया हुआ, इसका टच ऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, चारों चीज़ हमने आपको इसमें बताई हुई है, वीडियो में बने रहिएगा। हाय, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अतुल पुष्पाकर। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वी आलस मोबाइल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज जो हम आपके लिए ईयरबड्स लेके आए हैं वो है पोट्रोनिक्स हारमोनिक्स ट्विंस S8। ठीक है दोस्तों, एक बार आपको चेक भी करा देते हैं ये है। ठीक है तो दोस्तों हम लोगों के आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं पोट्रोनिक्स ट्विंस S8। ठीक है, ईयरबड्स आपको यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी पोट्रोनिक्स की, और यहाँ पे आपको इसका मॉडल नंबर S8 देखने को मिल जाएगा। और इसके जो बैटरी बैकअप यहाँ पे लिखा हुआ है 30 आवर्स यानी 30 घंटे का इसका बैटरी बैकअप लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग जब तक ओपन करते हैं, और बॉक्स खोलने से पहले इसका जो बॉक्स की अगर आप बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो एक मेटल में फिनिशिंग में दी हुई है, मेटल फिनिशिंग में। ठीक है दोस्तों, और इस पर कुछ स्पेसिफिकेशन इसके दिए हुए हैं, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसका जो ब्लूटूथ वर्जन है वो 5.3 है। ठीक है, और इसके अंदर जो डिस्प्ले रहने वाली डिजिटल डिस्प्ले रहने वाली है। इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो सी टाइप का दिया हुआ है। इसके अंदर वॉइस एंड गूगल असिस्टेंट भी दिया हुआ है, हम लोग चेक करेंगे आपको आगे जाके। जो इसका ड्राइवर है वो 13 mm का डायनेमिक ड्राइवर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको फटाफट हम लोग ओपन कर लेते हैं। इसमें अपने को थोड़ा सा यूज़र मैनुअल एक बुक दिया हुआ है, एक अपने को सी टाइप की चार्जिंग दी हुई है। ठीक है, और मेन हमारा आता है ईयरबड्स, ये ईयरबड्स है। ठीक है, वाइट कलर में है और स्मोक फिनिशिंग में ऊपर का ढक्कन दिया हुआ है। ठीक है, बाकी ये वाइट कलर है, एक बार आपको चेक कराते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑन हो चुका है और काफ़ी यूनिक में दिया हुआ है। इसका अगर हम ईयरबड्स की बात करें तो ईयरबड्स निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, जो ये ईयरबड्स है ना, इसमें एक चीज़ है कि रबड़ नहीं दी हुई है। जैसे पहले वाले में जितने भी मैंने पोट्रोनिक्स के चेक कराए हैं उसमें रबड़ दिया हुआ है, इसके अंदर रबर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, विदाउट रबर है ये। ठीक है, तो हम लोग इसको कनेक्ट करके चेक कराते हैं आपको फटाफट, इसका टच ऑपरेशन चेक करते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसका जो डिस्प्ले दिया हुआ है डिजिटल दिया हुआ है, सारा कुछ आपको इसी पर नजर आएगा, परसेंटेज वगैरह कितना इसका चार्जिंग है और कितना ख़त्म होने वाला है, कितना बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके कॉल उठाने के और डिस्कनेक्ट करने के। ठीक है, अगर आपको कॉल पिक करना है तो यहाँ पे 2 बार ही आपको टैप करना पड़ेगा जहाँ पे पी लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 बार ही टैप करोगे तो आपकी कॉल उठ जाएगी। अगर आपको कॉल काटनी है तो आपने क्या करना है, चाहे लेफ्ट या राइट को 2 सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड रखना है। ठीक है, तो कॉल आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसको प्ले एंड पॉज की। ठीक है, गाना कैसे प्ले होगा गाना। ठीक है, लेफ्ट राइट में से किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप 2 बार यहाँ क्लिक करोगे तो गाना प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये देखो आप चेक कर सकते हो, प्ले हो गया। अगर इसको 2 बार क्लिक करोगे तो गाना रुक जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप चेक कर सकते हो, रुक भी गया। अगर आपको गाना अगर आप राइट वाले को 2 सेकंड तक दबा कर रखोगे तो सॉन्ग नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लेफ्ट वाले को 2 सेकंड तक दबा के रखोगे तो सॉन्ग पीछे हो जाएगा, प्रीवियस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको गूगल असिस्टेंट ओपन करना है तो आपको यहाँ पर 3 बार क्लिक करना पड़ेगा, गूगल असिस्टेंट चल पड़ेगा। 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट चल पड़ा है। ठीक है, हेलो गूगल, ये देख सकते हो यानी कि पूरा वर्किंग कर रहा है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे देखो। ठीक है, पूरी तरह से चल रहा है हमारा, वर्किंग कर रहा है गूगल असिस्टेंट। टच ऑपरेशन तो हमारे क्लियर हो चुके हैं, देख चलते हैं इसका हम लोग साउंड टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब आ चुके हैं इसका साउंड टेस्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको अब अटैच कर लिए हैं, हम इसको लगा के चेक करते हैं, इसका साउंड टेस्ट करते हैं, सॉन्ग प्ले करके देखते हैं कोई भी।
तो साउंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बीट वगैरह काफ़ी क्लियर आ रही है। ठीक है, बस ये है कि जिसको यहाँ पे रबड़ चाहिए उसके लिए नहीं है, बाकी तो पीस ओके है। और सॉन्ग टेस्ट भी अच्छा हुआ है, मतलब कि इसके जो बीट वगैरह है क्लियर आ रही है। ठीक है, और इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन दिया हुआ है। अब चलते हैं हम लोग इसका माइक टेस्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं इसका माइक टेस्ट करने के लिए। जो अभी माइक टेस्ट कर रहे हैं, माइक टेस्ट के साथ साथ दोस्तों जो अभी की रिकॉर्डिंग हो रही है इसी ईयरबड से हो रही है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसकी माइक टेस्ट में इसका आवाज़ कैसा आ रहा है, आप लोगों को क्लियर आवाज़ आ रहा है या कैसा आ रहा है। ठीक है, इसकी आवाज़ कैसी आ रही है आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुझे तो पता नहीं लगेगा, मुझे तो बाद में पता लगेगा, आप लोग बताइएगा कैसी आवाज़ इसकी आ रही है माइक की। इसी साथ इसका माइक भी टेस्ट हो गया। ये पोट्रॉनिक्स ट्विंस एस सेट आपको कैसा लगा बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको हमने सारा कुछ टेस्ट करा दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों का लाइक एंड शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं इसी साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।